हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। आज मैं आपके साथ मेरा क्रॉकरी हॉल शेयर करने वाली हूँ। सारे क्रॉकरी तो मैं एक वीडियो में दिखा नहीं सकती, बट आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी सम ऑफ माय वेरी फेवरेट क्रॉकरीज जो मैंने कलेक्ट किया है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। सो चलिए व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मुझे काफ़ी सारा क्वेश्चंस आता है कि व्हाट आई यूज़ फॉर स्नैक्स, हेल्दी स्नैकिंग का आइडिया। सो आई थॉट ऑफ इंक्लूडिंग दैट इन टुडेज ब्लॉग। नाउ दीज आर सीड्स, पम्पकिन सीड्स, वाटरमेलन सीड्स, फ्लैक्स सीड्स। तो ये काफ़ी अच्छे होते हैं हेल्थ वाइज, लाइक हेल्थ बेनिफिट्स बहुत होते हैं। दीज आर एक्चुअली फुल विथ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स विच आर वेरी बेनिफिशियल फॉर योर ओवरऑल हेल्थ। तो मैं इनको थोड़ा रोस्ट कर लेती हूँ एंड इनसे आप काफ़ी कुछ बना सकते हो। लाइक यू कैन मेक लड्डू आउट ऑफ इट। इसको बहुत अच्छे से ग्राइंड करके आप लड्डू बना सकते हो या फिर इनको आप ओट्स में डाल सकते हो। यू कैन इंक्लूड दीज वेरी इजिली इन योर डेली फूड रूटीन। तो ये मैं स्टोर करके रखती हूँ एंड ऑल्सो आई स्टोर डिफरेंट काइंड्स ऑफ ड्राई फ्रूट्स, क्योंकि ये काफ़ी काम में आ जाता है ड्यूरिंग दोज छोटे छोटे भूख का टाइम, जब आपको थोड़ा सा कुछ खाना होता है एंड आप हमेशा सोचते हो कि क्या खाया जाए। दोज आर द टाइम जब हम लोग बिस्किट खा लेते हैं या फिर नॉर्मली हम लोग अनहेल्दी स्नैक्स के तरफ चले जाते हैं। टू प्रिवेंट दैट आई ऑलवेज स्टोर दिस काइंड ऑफ ड्राई फ्रूट्स, जो मैं अपने हाथ के सामने नहीं रखती हूँ ताकि मुझे पहले ये नज़र आए। सो आमंड्स, कैशू, देन किशमिश, देन पिस्ताशियो, आपके पसंदीदा ड्राई फ्रूट्स आप रख सकते हो। एंड आई हैव फाउंड ये करते हुए विद दिस प्रैक्टिस मेरा जो जंक खाने का जो टेंडेंसी है वो बहुत कम हो गया है, क्योंकि वैसे खाना मैं घर में रखती भी नहीं हूँ। दोज काइंड ऑफ फूड्स एक्चुअली आई डोंट बाई इवन फ्रॉम ग्रॉसरीज। तो ये काफ़ी एक अच्छा यू नो वे आउट है अपना हेल्थ को सस्टेन करने के लिए। मुझे लगा आपके साथ भी मैं शेयर करूँ। इसमें मैं थोड़ा फीक, किशमिश एंड प्लम्स भी ऐड कर देती हूँ ताकि थोड़ा मीठास भी आ जाए। एंड यू नो दोज आर हेल्दी स्वीट्स बेसिकली। तो मिक्स एंड मैच करके आप अपने स्नैक्स में इंक्लूड कर सकते हो। ओके, कमिंग टू द फर्स्ट क्रॉकरी, दिस वन इज़ अ सर्विंग बोल, बहुत डीप है एंड दिस वन आई गॉट फ्रॉम फैब इंडिया फ्यू ईयर्स बैक। बहुत ही प्यारा देखने में है, यू कैन सी द कलर। एंड ये एक सेट में आ रहा था बट मैंने एक ही सर्विंग बोल लिया है। दिस इज लेड फ्री एंड ऑल्सो हैंडमेड पॉटरी। दिस इज ऑल्सो माइक्रोवेव एंड डिश वॉशर सेफ। नाउ ये कुछ एक साल पहले का बात है तो मुझे प्राइस उतना अच्छे से याद नहीं है, बट यू कैन ऑलवेज चेक देयर साइट फॉर सिमिलर काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स। दिस इज एक्चुअली गुड इनफ फॉर सर्विंग यू नो 5 to 6 पीपल। ओके, द नेक्स्ट वन इज ऑल्सो अ सर्विंग बोल, ये भी बहुत ही डीप है। आई गॉट इट फ्रॉम होम सेंटर अ ईयर बैक एंड काफ़ी बड़ा है, तो इसमें भी आप 5-6 लोगों का खाना आराम से सर्व कर सकते हो। बाहर की तरफ ऐसा लाइनर डिजाइन आर देयर। दिस वन इज माइक्रोवेव सेफ एंड ऑल्सो डिश वॉशर सेफ, बट इट इज़ नॉट सेफ फॉर फ्रीजर एंड ओवन। तो आप फ्रीजर में इसको और ओवन में इसको यू नो यूज नहीं कर सकते हो। आई गेस दिस वॉज 999, बट मुझे ठीक से याद नहीं है। आप सिमिलर काइंड ऑफ प्रोडक्ट उनके वेबसाइट में देख पाओगे। द नेक्स्ट वन इज दिस वेरी प्रिटी यू नो सेज ग्रीन कलर का सर्विंग बोल। ये दूसरे सर्विंग बोल से थोड़ा सा छोटा है बट दिस वन इज सो प्रिटी। दिस वन इज ऑल्सो सेरेमिक पॉटरी एंड हैंडमेड पॉटरी। दिस वन आई गॉट फ्रॉम फैब इंडिया एंड दिस वन इज ऑल्सो डिश वॉशर एंड माइक्रोवेव सेफ, लेड फ्री। तो काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है, इसमें मैं आराम से 5 लोगों का सर्व तो कर ही सकती हूँ खाना। सो दिस वाज आल्सो पार्ट ऑफ अ सेट। आई गॉट दिस वन, गॉट अ पास्ता बोल आल्सो इन द सेम काइंड ऑफ कलर। नेक्स्ट कम्स दिस 2 सर्विंग प्लेट्स जो मैंने आइकिया से लिया था, ये शायद आपने मेरे प्रीवियस ब्लॉग्स में देखा होगा। नाउ दीज आर स्टोन वेयर्स एंड आइकिया के जो क्रॉकरीज है ना बहुत प्यारे एंड सूदिंग कलर्स में आते हैं, सो आई रियली लाइक दिस कलर। इसमें और एक दो कलर अवेलेबल है, आई थिंक ब्लैक इज ऑल्सो देयर। तो इसमें आप कोई भी स्नैक्स वगैरह सर्व कर सकते हो एंड स्टोन वेयर है तो बहुत ज़्यादा मजबूत भी है। आई रियली लाइक दिस सिंपल डिज़ाइन, तो मैंने ऐसे 2 खरीदा था आइकिया से।
ऑल्सो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, क्योंकि मैंने इसको अमेजन से ऑर्डर किया था। अमेजन में आइकिया का प्रोडक्ट मिलता है एंड बैंगलोर में डिलीवर भी करता है, तो आपके सिटी में अगर डिलीवर करता है यू कैन चेक आउट द लिंक। नाउ ये जो नेक्स्ट कप एंड सॉसर है, इसको मैंने इसलिए इंक्लूड किया है बिकॉज दिस वन इज सो प्रिटी अ पीस आई गॉट फ्रॉम सीसीडी। यस, आई वॉज ट्रैवलिंग समवेयर एंड हाईवे के ऊपर हम लोग शायद कॉफ़ी पीने के लिए रुके थे एंड आई फाउंड दिस क्यूट पेयर देयर। तो उनके एक दो टाइप के ही डिज़ाइन आते हैं एंड एक वाइट के ऊपर भी था, मुझे ये ब्लैक वाला बहुत प्यारा लगा। जो एवरेज कॉफ़ी मग्स है उससे थोड़ा बड़ा साइज में है एंड मेक्स योर किचन और काउंटर टॉप लुक सो प्रिटी वेन यू एक्चुअली कीप दिस। बहुत ही प्यारा है डिजाइन। तो सीसीडी के कोई भी आउटलेट में अगर जाओगे प्रोबेबली आपको ये देखने को मिल जाएगा, यू कैन गेट इट। प्राइस वाइज इसका एग्जैक्ट प्राइस मुझे याद नहीं है, अगर मिलता है लिंक तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, यू कैन गो एंड चेक। अच्छा, इसके साथ ये सॉसर भी मिलता है आपको इन द सिमिलर काइंड ऑफ डिजाइन। ओके, नेक्स्ट कम्स दिस सेट ऑफ सिक्स कॉफ़ी मग्स। दिस इज़ अ गिफ्ट फ्रॉम माई मदर इन लॉ एंड ये उन्होंने ख़रीदा था होम सेंटर से। तो होम सेंटर में ये बहुत ही पॉपुलर एक प्रोडक्ट है। एक सेट में आपको सिक्स कॉफ़ी मग्स मिलता है विद दिस स्टैंड, जिसको बहुत आसानी से आप मूव कर सकते हो, ऐसे बहुत आसानी से होल्ड कर सकते हो एंड इधर उधर मूव कर सकते हो। बहुत प्रिटी लगता है एंड सिंस इट्स अ वर्टिकल स्टैंड, बहुत ही कम स्पेस लेता है ऑन योर किचन काउंटर टॉप। सो इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल सेट। अच्छा, किस किस को मिट्टी के बर्तन पसंद है? मुझे काफ़ी पसंद है एंड आई एम अ ह्यूज कलेक्टर ऑफ सेरामिक्स एंड यू नो अर्थन पॉट्स। तो ये जो दो मिट्टी के पॉट आप देख रहे हो, ये मैंने रोड साइड दुकान से लिया था। येस, आई वेंट टू कूर्ग एंड वाइल कमिंग बैक देयर इज दिस क्ले मार्केट ऑन जस्ट ऑन द हाईवे, वहाँ से मैंने ये दो कंटेनर्स खरीदे थे। नाउ दीज आर ऑल्सो सर्विंग बोल, बट इसमें आप खाना भी पका सकते हैं एंड आप इसमें कर्ड वगैरह भी जमा सकते हैं एंड स्टैकेबल है, तो एक दूसरे के ऊपर ऐसे आ जाते हैं एंड दीज ऑल्सो केम विथ लीड, तो आराम से आप खाना सर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट कम्स दिस सेरामिक पॉट्स। नाउ दीज आर ऑल्सो सर्व वेयर, इसमें आप राइस करी ये सब सर्व कर सकते हैं। नाउ दीज ऑल्सो आई गॉट फ्रॉम अ रोड साइड शॉप इन केरला। सो आई वेंट केरला फ्यू ईयर्स बैक, वहाँ जस्ट रोड साइड मुझे ये मिल गए, इतने प्यारे थे। मैंने ये जिले तीनों का सेट है, थर्ड पीस मैंने यहाँ इंक्लूड नहीं किया है। सो ये थे मेरे कुछ क्रॉकरीज, बाकी का जो क्रॉकरीज है किसी और वीडियो में शेयर कर दूंगी और जो भी अवेलेबल लिंक्स है ना आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। Next morning. तो आज मैं बनाने लगी हूँ चिली वेजिटेबल्स लंच में। तो ये ना काफ़ी अच्छा होता है खाने में, टेस्टी एंड ऑल्सो एट द सेम टाइम वेरी हेल्दी। सो यू कैन इंक्लूड एज मच वेजिटेबल्स, डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेजिटेबल्स अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। एंड थोड़ा सा पनीर मैंने यहाँ ऐड किया है जो लास्ट में मैं डालूंगी। तो जैसे आपको यहाँ दिख रहा है डिफरेंट कलर्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ यू नो वेजिटेबल्स मैंने यूज़ किया है। दिस इज़ वेरी हेल्दी बिकॉज इसमें बहुत ही कम ऑयल डालता है, ये आपके ऊपर है आप कितना ऑयल डालना चाहते हो। बट जैसे आपको यहाँ दिख रहा है उतना ज़्यादा वेजिटेबल्स के लिए भी मैंने एक स्पून ऑयल ही यूज़ किया है, छोटा स्पून। अभी मैं थोड़ा गार्लिक यूज़ करने वाली हूँ, क्रस्ट गार्लिक एंड देन चिलीज, बेसिकली चॉप्ड चिलीज मैं यहाँ डालूंगी। थोड़ा सा इसको फ्राई करूंगी एंड देन जो अनियन है उसको ऐड कर दूंगी। तो इसको थोड़ा सा ही फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। थोड़ा सा फ्राई करने के बाद मैं वेजिटेबल्स डाल दूंगी। तो अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आज क्या बनाया जाए या फिर आपके पास टाइम नहीं है, तो आप ये रेसिपी ट्राई कर सकते हो, बहुत ही जल्दी बन जाता है। अपने पसंदीदा कोई भी वेजिटेबल आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ मैंने कैरेट, बीन्स, बेबी कॉर्न यूज़ किया है अमंग मेनी अदर वेजिटेबल्स, क्योंकि ये मेरे पास घर में ऑलरेडी पड़ा हुआ था। कैप्सिकम भी आप डाल सकते हो, इसमें एक्चुअली एग भी आप डाल सकते हो। तो सब कुछ मैं थोड़ा फ्राई कर लूंगी। अगर
अभी मैं थोड़ा कैबेज मिला रही हूँ। एक चीज़ ध्यान में रखना, क्योंकि बहुत सारा डिफरेंट वेजिटेबल्स इसमें यूज़ होता है, जो क्वांटिटी है उसका आप ध्यान में रखना। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में वेजिटेबल एक साथ कोई एक वेजिटेबल मत डाल देना, क्योंकि क्वांटिटी वैसे ही इसका थोड़ा ज़्यादा ही हो जाता है। तो ये मैं अभी थोड़ा फ्राई करूँगी, देन मैं यहाँ थोड़ा मशरूम भी मिला रही हूँ। जो भी वेजिटेबल आपके पास है आप उसको यूज़ कर सकते हो। तो थोड़ा सा फ्राई अभी मैं इसको करने लगी हूँ। अच्छा, यहाँ मैं ऐड कर रही हूँ स्वीट पल्मेरो चिलीज। नाउ ये ना काफ़ी स्वीट चिलीज होते हैं एंड थोड़ा लंबा चिलीज होते हैं, काफ़ी अच्छा है फॉर योर हेल्थ एंड टेस्टी भी है। एंड उसके साथ थोड़ा ग्रीन कैप्सिकम भी मैंने ऐड कर दिया है, जस्ट टू ब्रिंग ऑल डिफरेंट काइंड्स ऑफ कलर एंड टेक्सचर। काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है देखने में। आप भी कोई भी कैप्सिकम, डिफरेंट कलर्स का कैप्सिकम या फिर पल्मेरो चिलीज ऐड कर सकते हो। नाउ आई एम एडिंग सम सॉल्ट। ओके, अभी मैं मिलाने लगी हूँ चिली विनीगर, ग्रीन चिली सॉस एंड रेड चिली सॉस। यू कैन ऐड द सॉस एज पर योर टेस्ट, बट मैं यहाँ 2 से 3 स्पून टेबल स्पून सॉस डाल रही हूँ ईच टाइप का। नाउ इसको मैंने ढक के 2-3 मिनट कुक किया एंड इन बिटवीन चेक करना है कि ये नीचे कहीं स्टिक तो नहीं हो रहा है, क्योंकि मैंने ऑयल बहुत ही कम डाला था। अभी मैं ऊपर से थोड़ा पनीर स्क्रैम्बल करके दे रही हूँ हाथ से ही। इससे ना काफ़ी अच्छा एक टेक्सचर आता है, थोड़ा वेरिएशन आता है टेस्ट में। दिस इज कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन योर विश अगर आप डालना चाहते हो, लेकिन मैं ये ऐड करती हूँ क्योंकि थोड़ा डिफरेंट टेक्सचर लाता है, थोड़ा वेरिएशन लाता है टेस्ट में। एंड नाउ दिस डिश इज कम्प्लीटली रेडी। इसको आप चावल रोटी किसी के साथ भी ले सकते हो। डिनर में हम लोग यूजुअली चावल या रोटी नहीं खाते हैं, सो वी आर हैविंग इट विद अदर करीज। एंड विद द डिनर माई डे जस्ट एंड्स हियर। आई होप आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, कुछ नया देखने को मिला होगा। इफ सो डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, एंड अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मेनी सच वीडियोज इन फ्यूचर। आप अपना ध्यान रखिए, मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन, बाय बाय।